अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुका टिश चैनल। कुका टिश लाइन वेलकम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अच्छा, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मैंने वीडियोस लिया है वो बेसिकली मैं कल तो एयर फ्रायर किया था, तो आज भी माइक्रोवेव लिया किचन का ही, किचन के हवाले से। तो ज़्यादा पता, माइक्रोवेव की नीड रहनी है, गैस आनी नहीं है, और खाना आपको ठंडा हो जाना जब तक इफ्तारी होनी है, तो खाना गैस आनी नहीं, तो गर्म करने के लिए माइक्रोवेव मच बेटर के थोड़ा हल्का फुल्का गर्म कर लें। अच्छा, डॉलर्स का माइक्रोवेव लिया है मैंने, MD15 20 लीटर्स का माइक्रोवेवन है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाइट कलर में आता है, बिल्कुल प्योर व्हाइट में है इसका ये मॉडल, और इसके अंदर आपकी पावर 900 वाट की इसकी पावर है इसकी, और 20 लीटर का माइक्रोवेवन है, MD15 है, और इसमें अगर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 पांच पावर्स हैं इसकी। पांच पावर्स का मतलब है कम से कम पावर जो है ये यूज करनी है आपने, ये बच्चों के जो आपने फीटर वगैरह गर्म करते हैं, हल्की फुल्की सी चाय गर्म करनी है, कॉफी करनी है, ये उसके लिए हो जाता है। और ये आपका जो मीडियम लो जो है, ये आपका फ्रोजन खाना जो पड़ा हुआ है ये उसके लिए काम आता है। और देख लें कंपनी ने बकायदा ये ब्लू जो एरिया जितना भी है, अगर आपने ये मीडियम लो पर रखा हुआ है तो फिर आपने टाइम इसका यहाँ पर लगाना है, ये 15 मिनट तक का टाइम लगाना है। अदरवाइज अगर इसको नॉर्मली जो आप घर में यूज करते हैं इसको हाई पावर पर रखें, और खाना सिर्फ हार्डली 1 मिनट या बहुत ज्यादा 2 मिनट, इससे ज्यादा खाना गर्म नहीं होता। थोड़ा सा मैं खोल के भी दिखा देता हूँ 20 लीटर का साइज क्या होता है। ये 20 लीटर का साइज है, ये इसकी प्लेट है, और जब बाय करना आपने, अब क्या क्या बाय करना है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँगा मजीद। और हाँ, इस माइक्रोवेव को कोई भी माइक्रोवेव आपके पास घर में है इसको बिल्कुल भी दीवार के साथ जोड़ के ना रखें, थोड़ा सा स्पेशियस रखें ताकि इसकी एयर जो हीट एयर्स होती है वो निकलती रहे, जो हीट एयर्स है वो निकलती रहे। अच्छा, आपने अभी माइक्रोवेव जब बाय करना है, ये बड़ी अहम बातें हैं जो आपने आपके काम आने वाली हैं इसके बाद, कि माइक्रोवेव का जहाँ प्लग करना है, मैं बार बार आपको बात गाइड करता हूँ कि उसको प्लग लूज ना हो आपका, क्योंकि मेगाट्रॉन की पावर थोड़ी सक्सेस होती है कि अगर पावर आपका लूज होगा तो वो स्पार्क करके मेगाट्रॉन उड़ने का खर्चा होता है। और इसके बाद आपने यूनिट बाय करना है, फर्स्ट मंथ तो डैमेज चेक करना है, डीलर से बाय करना है और डैमेज चेक करना है। सेकेंडली आपका इसका एक मैनुअली बुक इसके अंदर से निकलेगी, ये भी लाजमी बाय करनी है। और थर्डली इसका एक गारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड के बगैर कंपनी गारंटी ऑन नहीं करती। मैं आपको हर वीडियो में यह गाइड करता हूं, गंदा जी हर वीडियो यही दसी जाता सानू, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई नई चीज बाय करें गारंटी कार्ड लेना लाजमी है, गारंटी कार्ड के बगैर गारंटी कंपनी नहीं लेती है। तो अगर डीलर शीलर से लेते हैं तो तब भी आप सेफ हैंड में होते हैं, अगर खुदा ना खासा गारंटी कार्ड मिसप्लेस भी हो जाए, जो परचेजिंग रसीद है उससे भी गारंटी क्लेम करवा सकता है डीलर, खासतौर पर डीलर से आप कहेंगे तो उसको भी उस पर रिक्वेस्ट लेके डीलर उस पर करवा देता है, लेकिन नॉर्मली 99% जो है ना आपका गारंटी कार्ड होना लाजमी है। अच्छा, एक साल इसके मेगाट्रॉन की वारंटी है, एक साल इसके पार्ट्स की वारंटी है। इसमें आपने सिर्फ बार बार ये हिदायत, माइक्रोवेव खासतौर पर हिदायत करता हूँ कि इसमें आप मेलामाइन के बर्तन रखें या ग्लास के बर्तन रखें, स्टील के बर्तन यूज ना करें। स्टील के बर्तन से मेगाट्रॉन की जो रेज हैं, जो माइक्रोवेव की जो रेज आती हैं, वो उसको टच करके वापस जाती हैं, जिससे इसे स्पार्क होता है। बेसिकली सच इज फायर तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप मेगाट्रॉन जो है वो नॉर्मली कमजोर हो जाता है, जिसकी खाना गर्म नहीं करता, फिर मेन इसके अंदर मेगाट्रॉन ही है, उसकी फिर खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। इसकी थोड़ी सी 2-3 एहतियातें जो है लाजमी, और जिसके बर्तन के ऊपर रिंग मेटल रिंग ना हो, मेटल रिंग भी होगा तब भी वो स्पार्क करेगा, तो ये 2-3 एहतियातें लाजमी आप कीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी, अब पहले कभी नीचे नंबर आता था लेकिन अब मेरे साइड पे नंबर होगा कुका टिप्स का, उसको कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या रेट लेना है तो काइंडली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया करें, व्हाट्सएप पे बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा कि आपको क्या रेट लेना है और क्या साइज है, और कोई फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आप इसमें व्हाट्सएप पे कर सकते हो। आपकी मोहब्बतों और चाहत, लेकिन आप काइंडली वीडियोज पूरी देखिएगा। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।